अरे भाई पिया या वो दुर्वा दे दाए धूपा जमले पता दे दे जमले पता दे रूप भाई जागन में पता दे रे अरे केम करे ने गुरु आरे सुता रावण माल जागे रे सुता रावण माल जागे रे तबले की चाटी तोड़ दबाओ ना एक दिन गुरु महाराज हुकुम जी महाराज रो गांव में आणो हो रिख धारू नाम रो एक गुरु महाराज रो भगत हो मेघवाल जाति रो हो और गुरु महाराज रो आणो हुओ रिख धारू रे घरे गुरु महाराज रा पगलिया हुआ तो गुरु महाराज जब पधारिया तो गुरु महाराज धारू ने कहो कि देखा धारू थारे घरे आज सत्संग राख और सत्संग में रूपा दे जी ने भी तू भायक भेज घना दिन हुआ है रूपा दे जी वो मिल लो नहीं हो बोले एक काम कर भाई तू सत्संग में आज रूपा दे जी ने भायक भेज और रूपा दे जी ने भी सत्संग में आने रो नेत दे भायक आया गुरुदेव रा रूपा जमले पधारो पर रूपा दे जी ने मन में शंका ही बोले गुरु महाराज सत्संग तो रात्रा बहला रात्रा मारो आनो मुश्किल है क्योंकि महल है बड़ी कड़ी पहरेदारी है और बिना बताया मैं रात्रा की कराऊं रानी रूपा दे जी अरे केम करे ने गुरु आउरे सुता रावण माल जागे रे सुता रावण माल जागे रे चले जाओ पीछे बोले केम करे ने गुरु आऊ सूता रावण माल जागे बोले हे गुरु महाराज दारू जब आया तो दारू ने कहो कि देख दारू मारे पति देव रो हबाव थोड़ो आग्रह है और मैं आ नहीं पाऊंगा गुरु महाराज ने आप मारी माफी मांग लीजो कि भाई रूपा दे तो अपने रावण की मर्यादा रे कारण रात्रा निकलेला नहीं लेकिन गुरु महाराज रो आदेश दारू मेघवाल तो वापस घर आ गयो अब देखो शाम रो वक्त हुआ सिंजारो टाइम वो रूपा दे जी ने मन में बड़ी हलचल मच गई कि आज गुरु महाराज आया है इतने दिनों दर्शन करने की मारी मन की लालसा है और मैं तो दारू ने मना कर दियो दारू जार गुरु महाराज ने कही गुरु महाराज मन में कहीं सोची कि देख इतना दिनों बाद में तो मैं आयो और रूपा तो मिलन वास्ते भी नहीं आई गुरु महाराज मैं आ बात बढ़िया नहीं लागेला देखो भगवान को जो भक्त है और हमारे राजस्थान आप लोग बैठा हो बायक यदि लिया है तो आनो तय है यदि बायक पकड़ लिया तो फिर जानो तय है अनंत चौदह से पूर्णमरा उजमना है अनंत रो दातन दे तो दातन देने के बाद वो साध्वी को अनंत में जाना पड़ता है ये हमारे यहाँ की परंपरा है रात हो गई प्राणी रूपांदे जी मन में बड़ा परेशान हो गया कि जाऊं तो जाऊं की कर सभी लोग सुनना रानी रूपांदे जी ने एक धर्मरो भाई हो और कोई मिनक नहीं हो रानी रूपांदे जी ने एक धर्मरो भाई तो बिनो वो नाग हो सांप हो पिछले जन्म में रानी रूपांदे जी ने एक धर्मरो भाई बने हो बिनो नाम हो तक हो नाग रानी रूपांदे जी अपने भाई ने याद किया बोले भाई आज तारी बहन में बड़ी विकट स्थिति है बड़ी मुसीबत है और आज मारे भाई ने याद करो तो मारी कोई कोई काम निकाल दे मारो कोई काम काम सार दे कहे अरे निंदिया मंगा वो हारा है धीरे धलिए सापड़ला पोटा वो रे धलिए सापड़ला पोटा वो रे निंदिया मंगा वो हारा है धीरे धलिए सापड़ला पोटा वो रे धलिए सापड़ला पोटा वो रे Oh, 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 oh.
रखियो दे तन बादा दे ओ आया रखियो दे तन बादा दे ओ जी सामने खड़े हो गए बोले बहन घना सालों याद क्यों कहीं हो गयो बोले भाई आज बड़ी अब की बात पड़ गई है मारा गुरुमराज उगम जी महाराज पधारा है और मैंने सत्संग में जानो है और एक काम करो आज की रात मैं तो जाऊंगा सत्संग में आप मेरे पास ही नहीं आऊं जब तक मारे बिस्तर पर आप न सोनो और कोई आवे तो फूफाड़ो भी जो मत कर जो बेटे बाप ध्यान रख जो चुपचाप बोला बोला होता रही जो प्रभात पाला मैं वापस आ जाऊं रूपे देने रूपा लिया रे आया रखियो दे तन बादा दे आया रखियो दे तन बादा दे सपने संतों ने रामा राम जी रे मारा गुरु ने गण खम्मा दे तुम्हारा गुरु ने गण खम्मा दे हो जी गौ माता के परम भक्त मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री एस एस टाइगर मंच पर आए मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करूं सुनना मित्रों आदि अदरात में अपने धर्मराज भाई ने अपने विश्व पर सुला रानी रूपा देव जी गुरुमराज ने मिलने री लालसा ले और रात का भगत महलों बाहर निकलिया सत्संग में पधारिया कहो सबरे संतों ने रामा राम जी आप ही हाथ जोड़ी दो मैं आपसे राम राम कर रहा हूं सबरे संतों ने रामा राम जी और हमारा गुरुमराज उगम जी ने घड़ी खम्मा गुरुमराज ने आशीर्वाद ले रूपादेव जी भजनों में बैठा है और रात भर भगवान का भजन गाया है गुरुमराज बड़ा प्रसन्न हो गया रूपादेव जी भगवान की अलग अलग महिमा रो लीला रो गुणगान कियो है अब प्रपात्र भक्त हुए अब रूपादेव जी मन में हो कि सुबह प्रभात नहीं उड़ू पहला तो घर जानो पाछो पतो नहीं लागो चाहिए कि नहीं कि रूपादेव गई कि नहीं गई डावल मालदेव जी ने दो लुगाया ही चंद्रावल पीछो कर लिए रूपादेव जी रो रूपादेव जी जटे मोजड़ियां उतारी एक खवा जी ने लारे मेलिया पे मोजड़ी एक मोजड़ी चुराई और रावण मालदेव जी ने जगाई बोले पिया जी तो सुख पर नींद में सूता हो और मैं हमेशा कहूं कि हमारी बात रो भरोसा नहीं करो और आज रूपादेव महल में नहीं है आप जार बलि चेक कर सको और देखिए क्या हुआ बत्तियों को जोड़ी हारा है रावण माल जागा दे सुता रावण माल जागा दे रावण माल दे जी ऊंट और जार रूपा दे जी ने कमरे में जार देखे तो देखो वो तो गोगो जी हा सांप तो सांप होता है माने कहीं खबर जो ही रावण माल दे जी ने मोजड़ियों थोड़ी बाजी और वे एकदम छटको दे और नाग देव का बिस्तर मारते फूफाड़ होकर खड़ा हो गया रावण माल दे जी तो नाग में देखते डर गया लेकिन मन में बड़ो क्रोध आयो कि आज रूपा दे चंद्रावल थारी बात हाची है आज अब मैं तलवार ले जाऊं
जठी मार्ग में रूपा दे मिलेला आज तो रूपा दे सर कलम कर दूला खत्म कर दूला कहानी। चंद्रावल आई चाहती क्योंकि होग ऊपर होग नहीं घटे। चंद्रावल देखे कि इन बाण ने आज रूपा दे ने मार दे और अपने घर में राज हो जावे। और देखिए अटी ने तो आ घटना हो गई और अटनी रूपा दे जी जब भजनों निकल वापस घर में वापस घर की तरफ जान लगा तो बाहर आया तो मोजड़ियां जो दो उतारी उनमें एक मोजड़ी गायब। अब एक मोजड़ी और पैरों भी कहीं यानी रूपा दे जी उड़ पान आई वापस मेले रखा नहीं रवाना हो गया। मन में बड़ी चिंता हो गई कि आज कहीं कोई बात जरूर हुई है और कोई मुसीबत आ गई तो फिर जवाब कहीं दूला क्योंकि मैं तो नुगरा लोग है माने समझाणो कहीं माने किकर समझाऊंगा। अब देखिए मित्रों सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनना। रूपा दे जी इन चिंता में धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ रहा है और रावण माल दे जी महलों नीचे उतर और हाथ में तलवार ले रूपा दे जी ने खत्म करने की ठान निकल चुका है और कहा अरे होकड़ी है दी में होकड़ी है दी में हो रणी कवेला हम जाता दे अचानक पूछो कि रानी कठे गया मुझे बताओ आज आप मेरे हाथ तुम नहीं बच पाओ सही सही जवाब दे दो नहीं तो थारो हाथ को बार दूला रानी रूपांतर जी डरा नहीं क्योंकि माने भगवान पर बोलो मेरी बात आप बोलो माने भगवान पर थोड़ा जोर से बोलो भगवान पर भरोसा हो। खट से एकदम उत्तर दे दिया बोले हे पतिदेव क्यों चिंता कर रहा हो हाथी जोड़े में रूपा दे यार आप दे फूल बीन बाजा दे थारे फूल बीन बाजा दे खाली थाली में रूपा दे जी भगवान ऐसी कृपा करी कि खाली थाली में रावण माल दे जी ने खाली थाली में फूला रो बाग दिखा दियो बड़े संत गुरुदेव रावण मालदेव जी अचंभित हो गया मा तो दम गयो चकरा गया कि थाली में फूल और इतना सारा नाना प्रकार फूल कठू लाई। रावण मालदेव जी रो सारो अभिमान उतर गयो बोले इन भक्ति में इतनी शक्ति है कि नाना प्रकार का फूल उगा दिया बाड़ी दिखा दी पूरी फुलारी। रावण मालदेव जी रो अंदर हृदय परिवर्तन हो गयो अपना अभिमान सारो उतर गयो अपने अपने रावण होने रो जो मद हो वो मद उतर गयो। रानी ने साथ में हाथ जोड़ खड़ा हो गए बोले रानी हरी भक्ति में शक्ति है और आज रावण हरी भक्ति में भी प्रणाम करे है ये रानी और मार्ग मैंने भी बता दे मैं भी भक्ति करनी चाहूं ये फालतू में इतना दिन खोया अब लाभ लो जन्म मैंने खोनो नहीं है मैंने मारो सुकृत काम करनो है मारी आत्म कल्याण की मार्ग तय करो रानी वो जो मार्ग भूल आया है वो मार्ग मैंने भी दिखा दो। हाथ जोड़े ने रावण बोलिया रानी थारो पंथ में बताओ रानी रूपा दे जी ने पतो हो माता मैंने बैठी है दुनिया में आदमी भले कितो ही ऊंचो ऊंचो ये करड़ो लकड़ और फिरे लुगायो अछनो नहीं आदमी दुनिया में भले कितो ही मोटो आदमी फिरे लेकिन कोई भी कोई भी कोई भी पति कोई भी धनी आपकी लुगाई उन बिने अच्छी तरह जाने कि मारो पति देव कड़ा है भले दुनिया में मोटा मिनक बनियो ना फिरे परनीस्ते परकियो धौलियो धनी और नशे तसे में समझे नहीं थारी अन्न में नीत गणी। एक भाई राम हुड़ा पो चढ़ियो साहब लुगाई ने जान के मारो खांडो बार ला आज मारे बार चढ़नो है लुगाई के बह जाओ बोलो बोलो मैं पतो है रोटियों तो दिन में 50 बार जीमो और बार चढ़ना बोले नहीं 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 मैं आज बिल्कुल बार चढ़ूला मारो खांडो बार ला लुगाई देखे वो घणो ही हुड़ा पो आयो बोले लो साहब पधारो कितना भाई राम घरों निकलियो लुगाई डागले पर चढ़ गई देखो तो सही कड़े बार चढ़े थोड़ा धके गए आगे माथा कटता देखा खून बहता देखा भाई राम तो तलवार एक एक केरड़ो मिल गयो केर रेकने तलवार रो और ढालू लागो रहा वो भाई राम तो फिर और ढालू बीने और ढालू खावे तो थोड़ा केरड़ा हुई कन्ने गयो तो कटी मोरो में कटी खेड़ को आयो कटी हाथों में आएगी कटी खून आएगी कटी थोड़ा थोड़ा केरड़ा कांटा लग गया सारो लोई लोयान हो और पेट पूरो ढालो धाप दो बोल पाछो घर आयो बोले देख अठे घाव वो अठे घाव मोरो पर घाव इतना माथा अटना बाड़िया इतना हाथ काट दिया इतना पग काट दिया लुगाई के बोले बोले मैं मरो पतो है मने कह दो क्यों मतो मोरा रगड़ता
तो नशे तसे में समझे नहीं। रावण रानी ने पतो हो कि मारा पति देव तो भक्ति की कर सके, तो बड़ा मोह वाला है, बड़ो लोभ है, बड़ो मद है, फिर भी एक परीक्षा करी। बोले पिया जी अरे भक्ति करनी है, मार्ग में बताने वास्ते तैयार हूं, पर एक चार काम मैं थाने बनाऊ थे, काम कर आ जाओ पछ थाने भक्ति रो मारे मैं बता दू। देखिये सुनिएगा, बड़ी सार गर्भित बात है, आप लोग सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कहा। अरे पहला मारो रे मोदी हंसा पाले पहला मारो रे मोदी हंसा पाले भोरे रे एक चौथो मारो रे गौरे छोड़े चौथी चंद्रा बड़े रानी रे। अरे तीजो मारो रे गौरे छोड़े चौथी चंद्रा बड़े रानी रे। अरे पितरो तारे ने ए पितरो तारे ने ओरा बजरे पछ पंथड़ लो बताबो रे पछे पंथड़ लो बताबो रे। काम क्रोध मद लोभ भक्ति में चार चीजें आड़ी आवे तहसीलदार साहब। काम आडो आवे, अभिमान आडो आवे, लोभ आडो आवे और मोह आडो आवे। रानी रूपादेव जी परीक्षा ली, बोले पहला मारो मोभी दीकरो पछे हंसलो घोड़ो चौथो तीजो मारो गौरव बाजरो चौथी चंद्रावल रानी। बोले ये चार ही चीजें काम क्रोध मद और लोभ ये चार चीजें हैं, आने खत्म करो। रावण मालदेव जी ने समझ में आई नहीं बात, तलवार निकाली, बोले मारने काटने का काम अपना है। बोले वो अठे तो हंसलो घोड़ो है, तू कह तो इन मंगल मैठी मेल दो चंद्रावल घरे है तो भगत घर जान दूजी बात घरे देखा। रानी रूपादेव जी पिया जी ने समझा, बोले हे पिया को जीव हत्या करने में भक्ति थोड़ी होनी है। आपने मन में जो है इन चीजों के प्रति जो लोभ है, आपने मन में जो ये क्रोध है, आपने मन में जो मद है, आपने मन में जो ये भोग है, इनको खत्म कर दो, मन ने सरल कर दो, आगे एक पाउंड भी भरोला तो वो सीधे सीधे भगवान की भक्ति की तरफ जावेला। और इस प्रकार समझाते हुए रानी रूपादेव जी बोले हे पिया जी अरे हो जाओ संत सुधारो थारी काया जी। दोनों हाथों को उठाओ, थोड़ी सर्दी उड़ाओ। रच्ची घोड़ों ने भी महा को संत सुधर करी काया जी तो जी। अरे उंडा उंडा नीरे का थंडे चले भरिया भरिया जी तेरो डालो आग नहीं आलो रावण मां। उंडा उंडा नीरे का थंडे चले भरिया जी तेरो डालो आग नहीं आलो रावण मां। कड़वा नीम नी बोले चली नी की जी।
सचिन साहब साहब बहुत शॉर्ट में भक्ति का पथ बता दिया। बोले हे पिया जी अरे भक्ति करनी है। बोले हाँ, तो आप एक काम करो कि जब नीमड़ो खारो है, नीमड़े की जड़ खारी है, नीमड़े की डालियां खारी है, छोटा खारा है, नीमड़े की खतियां खारी है, कूपड़ निकले बड़ी खारी है, जब पूरा नीमड़ो खारो जेर है तो बिड़ पर लागोड़ी नीमोली ने मीठी कौन बनाई? आप तो गुड़ा मेरे पतो लगाओ कौन बनाई सर नीमोली मीठी बताओ। ये भाई ने हाथ ऊपर किया, बहुत अच्छी बात है। कड़वारे नीम नीमोलियां जारी मीठी और कौन नर मिश्री मिला? आप तो खोज करो भी आदमी ने भक्ति रो, बस खोज करते करते आगे जाओ ला तो बस वो भक्ति रो ही मारे गए। और खास बात ध्यान रख दो कहीं, अरे बेटे हटायो माल जी झूठ मत बोलो जी, भक्त पंचों में खरी जावे हे वो रावण मां, बेटे हटायो माल जी झूठ मत बोलो जी, भक्त पंचों में खरी जावे हे वो रावण मां, ए घर भी तो खोल कर हरी लागे जी, गुड़ तो चोगीरी बने मीठो रावण मां, घर भी तो खोल कर हरी लागे जी, गुड़ तो चोगीरी बने मीठो रावण मां, कोई कर छोड़ रही रूपत जी बोले जी, अपने अपने धनियों ने समझाया रावण मां, कोई जावो संत सुधारो खरीदाया जी।